बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अब्बास हेल्थ यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये ख़ास तौर पर लेडीज़ के लिए है, औरतों के लिए है, उन औरतों के लिए जिन औरतों को बच्चादानी का मसला रहता है, यानी कि बच्चेदानी उनकी जो है वो कमज़ोर होती है, हमल वगैरह जो है वो नहीं ठहरता, उन औरतों के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त आज की वीडियो है। वो औरतें देखें और इस नुस्खे को वो यूज़ करें, इंशाल्लाह उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जिन औरतों को जरासीम की कमी का भी थोड़ा बहुत इशू होता है, उन औरतों के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त ये चीज़ है। और ख़ास तौर पर जिन लोगों की, जिन औरतों की जो बच्चादानी है वो कमज़ोर होती है, यानी कि वो हमल जो है वो पूरा उसके जो पकड़ नहीं होती, हमल ठहरता नहीं है, वो औरतें जो है वो इस नुस्खे को जो वो इस्तेमाल कर सकती हैं। बेहतरीन और ज़बरदस्त और आसान सा बिल्कुल नुस्खा है, इसको लंबा चौड़ा भी इस्तेमाल नहीं करना, और इसमें ज़्यादा चीज़ें भी नहीं हैं कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करके इस्तेमाल करनी है, या आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करना है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। नॉर्मल नुस्खा है और नॉर्मल तरीके से आप लोगों ने इसको जब इस्तेमाल करना है तो करना। आप लोगों ने क्या है कि सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही पहले आइकान के बटन पर क्लिक लाजमी करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिल सके। तो नुस्खा जो है वो आप लोग नोट कर लें पहले, फिर बाद में बताता हूँ कि इसको आप लोगों ने यूज़ जो है वो कैसे करना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने मोर के जो पर होते हैं ना, उसकी टिकिया होती है, ये पंसार की दुकान से बड़े आराम से जो मिल जाती है, लास्ट में जो पर की टिकिया सी बनी होती है ना, वो टिकियाँ आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है 3 अदद, वो पंसार की दुकान से आप लोगों को जो है वो मिल जाएंगी बड़े आराम से। और इसके बाद आप लोगों ने जो इसके अंदर इस चीज़ इस्तेमाल करनी है, वो 10 ग्राम आप लोगों ने पुराना गुड़, कोशिश करेंगे पुराना हो, 1 साल 1.5 साल पुराना गुड़ पड़ा हो वो लेना है आप लोगों ने, वो भी पंसार की दुकान से बड़े आराम से मिल जाता है पुराना गुड़। पुराना गुड़ लेना है आप लोगों ने 10 ग्राम, और बेलगिरी जो है वो लेनी है 10 ग्राम, और बतारी कंद ये भी आप लोगों ने लेनी है 10 ग्राम। ये स्क्रीन पे आप लोगों को नाम भी मैं जो दिखा दूँगा नज़र आ भी रहे होंगे आप लोगों को। तो ये चीज़ें आप लोगों ने लेनी है, इतना वज़न 10-10 ग्राम ये चीज़ें लेनी हैं, और मोर की ये पर की टिकी हैं वो 3 अदद आप लोगों ने लेनी है। इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने पीस के इसका सफ़ू बना के अपने पास 9 हिस्सों में तकसीम कर लेना है इसकी, यानी कि 9 पुड़ियाँ आप लोगों ने हम वज़न के हिसाब से कर लेनी है, यानी कि 9 पुड़ियों का वज़न जो है वो एक जैसा हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो वो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन हम वज़न यानी कि होने चाहिए 9 पुड़ियाँ आप लोगों ने, यानी कि 9 दिन की खुराक जो आप लोगों ने जो है बना लेनी है। तो इसको आप लोगों ने इस्तेमाल करने का तरीका अब क्या है, इस्तेमाल करने का तरीका भी इसका जो है नहायत ही आसान है। करना आप लोगों ने क्या है कि जब हमल का 3रा महीना शुरू हो, यानी कि 3रे महीने के स्टार्टिंग में, जब 3रा महीना स्टार्ट हो उसके पहले 3 दिन ही आप लोगों ने इसका जो है वो इस्तेमाल करना है। 9 पुड़ियाँ आप लोगों ने बना लेनी है सुबह शाम दोपहर, यानी कि 3 टाइम सुबह दोपहर शाम आप लोगों ने 3 टाइम जो है वो नीम गर्म दूध, यानी कि 3 टाइम ही आप लोगों ने दूध का, नीम गर्म दूध का 1-1 गिलास जो है वो साथ इसके इस्तेमाल करना है। 3 टाइम आप लोगों ने 3 पुड़ियाँ जो है वो 3 पुड़ियाँ 3 दिन आप लोगों ने यानी कि इस्तेमाल करनी है 3 टाइम पे। तो सिर्फ आपने 3 दिन इस्तेमाल करनी है, 9 पुड़ियाँ हैं तो वो आप लोगों इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह आपको जो हमल का मसला है, जहाँ जिन लोगों को 2-3 माह गुजरने के बाद, 4 माह गुजरने के बाद मसला जो है बन जाता है, वो मसला जो है वो इस मेडिसिन से जो है वो ठीक हो जाएगा। बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। हम लोगों के साथ जो मसला जब ये पैदा होता है तो हम लोग इंग्लिश मेडिसिन का यूज़ है वो ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा मेडिसिन जो है वो ज़्यादा तेज़ मेडिसिन होती हैं, तो उससे कई बार इससे फ़ायदा होने के साथ साथ और भी नुकसान जो है वो हो जाता है लोगों को। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको इससे जो फ़ायदा ही होगा, इसका कोई भी यानी कि है वो साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं होता, कोई नुकसान इसका जो है वो नहीं होता। तो इसको आप एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब